हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो को आप लोगों ने ओपन किया है हमारा थंबनेल को देखकर और हमने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है ओप्पो का लॉक कैसे तोड़ें। अगर आपके पास ओप्पो फ़ोन है और वो ओप्पो फ़ोन आपसे इस प्रकार पासवर्ड लॉक, पैटर्न लॉक, पिन लॉक लग चुका है, आप अपने पासवर्ड, पैटर्न, पिन को भूल चुके हो, तो फ्रेंड इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओप्पो का लॉक कैसे तोड़ा जाता है, चाहे वो पासवर्ड हो, पैटर्न हो, पिन हो, फिंगरप्रिंट लॉक हो या फेस लॉक स्क्रीन हो या स्किन लॉक हो। तो आइए फ्रेंड, मैं बिना टाइम लिए ही इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा डीलर किए, बिना कंप्यूटर, लैपटॉप के और बिना इंटरनेट कनेक्शन के घर बैठे आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओप्पो मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ा जाता है। तो आइए फ्रेंड, मैं इस वीडियो पे आता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड, जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करोगे, आपको अपने स्क्रीन पर दिखेगा पैटर्न, पिन, पासवर्ड। जैसे कि इसके मोबाइल में, इस मोबाइल में आपको दिख रहा है फ्रेंड पासवर्ड लॉक। आपके फ़ोन में पैटर्न होगा या पिन होगा, बार बार अपना पासवर्ड, पैटर्न, पिन को ट्राई मत करना, आपका फ़ोन डेथ हो सकता है। इस वीडियो पे आने से पहले भी आप लोग अपना पासवर्ड, पैटर्न, पिन को ट्राई कर चुके हो। अब आपको इस पासवर्ड, पैटर्न, पिन वाले पेज में एक ऑप्शन दिखेगा नीचे इमरजेंसी SOS का, या आपके फ़ोन में इमरजेंसी कॉल के भी नाम से हो सकता है फ्रेंड, दोनों एक ही होता है, इमरजेंसी कॉल या इमरजेंसी SOS। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन का हेल्प लेना है आपको, इसके अलावा कोई ऑप्शन दिखेगा भी नहीं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेना। जब आप इमरजेंसी SOS पर क्लिक करोगे या इमरजेंसी कॉल पर, तो ये ग्रीन कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको फ़ोन में एक डायलेट ओपन हो जाएगा, जो डायलेट आपका पासवर्ड का डायलेट है और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ फ्रेंड इमरजेंसी कॉल्स ओनली। फ्रेंड, यहाँ पे आप किसी को कॉल नहीं कर सकते हो, बस यहाँ पे आप किसी भी इमरजेंसी कॉल को कॉल कर सकते हो, इमरजेंसी नंबर। हमको यहाँ पे किसी को कॉल नहीं करना है फ्रेंड, बस इस कोड को अपने डायलेट पे डायल कीजिए और 3 टाइम कॉल कर लीजिए। फ्रेंड, ये FRP कोड है, सर्विस सेंटर वाले या रिपेयर मोबाइल दुकानदार वाले पैसा भी लेंगे, समय भी लेंगे, लेकिन आपका डाटा डिलीट कर देंगे और जो भी वर्क करेंगे वो लोग आपको फोन में कभी दिखाएंगे भी नहीं। लेकिन इस कोड से हम आपका FRP लॉक को रिमूव करेंगे, जो सर्विस सेंटर वाले कंप्यूटर, लैपटॉप का मदद लेकर, सॉफ्टवेयर का मदद लेकर आपका FRP लॉक रिमूव करते हैं। इस वर्क को करने में आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपका 50% वर्क कंप्लीट होगा। तो इस कोड को 3 बार कॉल कर लीजिए, कॉल पे क्लिक कीजिए, कॉल फील्ड का मैसेज आएगा, ओके कीजिए, 1, 2 एंड देन 3। 3 टाइम कॉल करने के बाद ये कोड आपके फ़ोन में एक्टिव होगा, वर्किंग करेगा और आपका FRP लॉक रिमूव करेगा। अब इस कोड को एक एक करके हटा देना है, जैसा कि मैंने हटाया है *#8999#। ये गूगल मास्टर लॉकिंग कोड है फ्रेंड, आपको आफ्टर सेल पेज या इंजीनियर मोड नाम के पेज के पास लेके जाएगा और सेम ऑप्शन रहेगा। इंजीनियर मोड है भी तो आपका ऑप्शन सेम रहेगा, यहाँ आफ्टर सेल है, यहाँ भी ऑप्शन सेम मिलेगा। 4 नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना, मैनुअल टेस्ट पे, फर्स्ट पेज को कैंसिल करना फ्रेंड, फर्स्ट पेज को, और चले आएंगे हम लोग सेकेंड पेज पे, डिवाइस डबिंग पे। डिवाइस डबिंग पे आने के बाद फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपना सेंसर ऑन करना है। अगर आपका सेंसर डीएक्टिवेट है तो आपको एक्टिवेट करना है, और अगर एक्टिवेट है तो उसको उसी तरह से छोड़ देना है। चार्ज टेस्ट के नीचे आपको दिख रहा है सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन, आप यहाँ पे क्लिक करना। ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड, ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड, दोनों सेंसर को आपको स्टार्ट कर लेना है, और जब ये स्टार्ट होगा येलो कलर का हो जाएगा, एक पास आना चाहिए, देख सकते हो येलो कलर का हो चुका है, और एक पास एक फेल, यहाँ पे हमारा वर्क कंप्लीट हुआ फ्रेंड। यहाँ पे आपका एक पास भी आ गया और एक फेल भी हो गया, तो हम यहाँ से बैक कर लेंगे। अब हम आपको बताएंगे डाटा रिकॉर्डिंग से वर्क कैसे किया जाता है, डाटा को कैसे रिकवर आप कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, जायरोस्कोप वाला ऑप्शन दिखेगा, जायरोस्कोप पे क्लिक कीजिएगा, डाटा डिस्प्ले 3 नंबर ऑप्शन, जहाँ पे हम आपको बताते हैं डाटा रिकवर कैसे किया जाता है। सर्विस सेंटर वाले और रिपेयर मोबाइल दुकानदार वाले पैसा और समय लेने के बाद भी डाटा रिकवर करके आपको नहीं देंगे फ्रेंड, ये बात आपको पता होना चाहिए। डाटा डिस्प्ले पे क्लिक कीजिएगा, XYZ 3 एंगल आपको दिखेंगे आपके फ़ोन में वर्किंग करते हुए, इसको 30 तक अपने फ़ोन में वर्किंग करने दीजिएगा, ये आपका डाटा रिकवरिंग का ही वर्क चल रहा है फ्रेंड। तो इसको 30 तक आपको अपने फ़ोन में वर्किंग होने देना है,
30 या 30 प्लस तक आकर रुक जाए, आपका डाटा रिकवर, और मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा कि 30 प्लस हो चुका है, बैक कीजिएगा। जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट, ये टेस्ट आपको देना है और यहाँ पे पास लाना है। स्टार्ट करने का ऑप्शन आया, स्टार्ट कर लीजिएगा, पास आना चाहिए, फेल नहीं। अगर फेल आएगा तो हम फिर से ट्राई करेंगे, लेकिन जब तक यहाँ पास नहीं आएगा तब तक आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। पास आ गया, बैक कर लीजिएगा। और अब आपको चले जाना है सबसे लास्ट पेज पे, जिसका नाम है अदर्स, रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर, तीन नंबर ऑप्शन नीचे से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन नंबर ऑप्शन, रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर, यहाँ क्लिक कीजिए। अगर यहाँ पास है तो आपका फ़ोन अनलॉक है, और वो भी विदाउट डाटा लॉस है। पास आ गया। अब लास्ट वर्ड की स्टेटस, की बोले तो चाबी, चाबी बोले तो लॉक, क्लिक करके चेक कीजिए पास है या फेल। पास होना चाहिए, फेल नहीं। अपडेट हुआ, अब भी आपके सामने ये फ़ोन अपडेट हुआ, नेम में जितना भी की है, स्टेटस में देख लीजिए फ्रेंड, पास 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 है। इसका मतलब मेरे वर्क के अनुसार ऑटोमेटिकली तरीके से अब आपका पासवर्ड हो या पैटर्न हो या पिन हो या फिंगरप्रिंट लॉक हो या स्किन लॉक है, वो रिमूव हो चुका है फ्रेंड। तो लॉक बटन होगा आपके राइट साइड या लेफ्ट साइड में, आप देख सकते हो, आप इसको प्रेस करके रखे रहना लॉक बटन को। रीस्टार्ट पावर ऑफ, आपको रीस्टार्ट करना है, सारे बंदे को रीस्टार्ट करना है, अपने ओप्पो फोन को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। यहाँ से इस वर्क के बाद जब पास 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 दिखे आपको, आप भी रीस्टार्ट कर लेना अपने फ़ोन को, और वीडियो में बने रहना। जब आप वीडियो में बने रहोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो भी मेथड आपको बताया है वो मेथड आपके फ़ोन में एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है, जिसके कारण आपका फ़ोन अनलॉक होगा या नहीं होगा। तो ये सब आपको देखना है वीडियो में रुककर, आप लोग वीडियो को बढ़ा बढ़ा के देखोगे, जिसके कारण आपका फ़ोन अनलॉक नहीं भी होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, अब ये फ़ोन अनलॉक होने वाला है फ्रेंड। और आप देख सकते हो फ्रेंड अपनी आंखों से कि ये ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन अब फुल्ली तरीके से अनलॉक हो चुका है। इस फ़ोन में पासवर्ड लॉक था, पासवर्ड लॉक रिमूव हुआ, और आप देख लो इस ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन का डाटा, टोटल का टोटल डाटा रिकवर है, एक भी डाटा डिलीट नहीं हुआ। पैसा बचा, समय बचा, डाटा बचा, और जो भी वर्क हो आप लोग के सामने हुआ। तो अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा फ्रेंड, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन है, लॉक हो चुका है, लॉक नहीं हो रहा, मॉडल नंबर के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिए, मैं आपका पूरा मदद करूँगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।